हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो ये देखो, ये ट्यूसडे शाम का व्लॉग है। मैं शाम को फिर से अपने बच्चे को दिखाने के लिए गई थी हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने बोला था अगर इसको फीवर ना उतरे तो दोबारा से इसको दिखाने आ जाना। तो मैं अभी हॉस्पिटल में बैठी हुई सारी का जो है वीडियो बना रही है। और अभी डॉक्टर दूसरे पेशेंट को चेक कर रहे हैं। देखो मेरी हालत क्या हो गई है, सुबह से ऐसे ही बस इसको लेके बैठी, कुछ काम नहीं कर पाई हूँ। और सारिका भी बस ऐसे ही, आज इसको भी खाना इतनी मुश्किल से मैंने बना के दिया क्योंकि रोए जा रही थी। और कोई है नहीं मेरे पास कि कोई इसको संभाल ले, हस्बैंड चले गए थे खा पी के अपना। और ये देखिए अभी मैं बैठी हुई है, डॉक्टर आएंगे तब इसको चेक करेंगे, फिर बताते हैं क्या हो रहा है। और देखिए अभी डॉक्टर ने चेक किया इसको, मैं अंदर वीडियो नहीं बना पाई, बहुत जरूरी थी क्योंकि। और इसको अभी स्टीम दे रहे हैं, डॉक्टर ने बोला था कि स्टीम इसको देनी है। और इसका ना थोड़ा सा कोल्ड भी हो रहा था ना, इसलिए कह रहे दोगे तो ठीक हो जाएगा। तो मैं शाम को, ये अभी रात का टाइम हो चुका है, मैं घर आ गई थी, इसको मैंने सुलाया। ये अभी 9:30 का टाइम हो गया है और हस्बैंड आ चुके हैं। हस्बैंड वॉशरूम में, सारे मेरा किचन ऐसे ही फैला पड़ा था, फटाफट मैं थोड़ा किचन सेट किया। ये बर्तन सारे मेरे ऐसे धोने को पड़े थे, सुबह से आज मैं कुछ कर नहीं पाई ना इस वजह से। तो अभी वो सो गई थी, सारी का भी सो गई है। ये किचन में ये सारे बर्तन जो मैंने, चला भी थोड़ा सो रही है आराम से, तो बर्तन वगैरह मैं धो देती हूँ। तो अभी बर्तन धो रही हूँ। खाने का भी मैंने कुछ नहीं बनाया आज, मेरी दाल रखी है थोड़ी सी, सुबह हस्बैंड ने बनाया था तो दाल रखी है। तो हस्बैंड कह रहे हैं उसी को तड़का लगा लियो। अभी हस्बैंड आ रखे तो उनसे बातें करी, वो साइड खड़े हुए थे तो मैं उनसे बातें करी हूँ, बर्तन धो रही हूँ। बहुत सारे बर्तन हो गए थे आज मेरे धोने के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोग ना वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करिए और थोड़ा सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी मुझे। बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है ना, बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। आप लोगों को भी होती होगी। और ये तो अभी बहुत छोटी है ना, बोल भी नहीं पाती है तो। और बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था इसको ना, तो देखा नहीं जा रहा था मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। बस मैं रोए जा रही थी बैठी इसको देख देख के, क्योंकि ऐसे ऐसे आवाज़ें निकाल रही थी ना और आइज भी नहीं खोल रही थी। डर लग रहा था मेरे को क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा कुछ एक बार हो चुका है, तो इसलिए ना थोड़ा डर लग रहा था। आप लोगों को बताऊंगी किसी दिन, आप लोग बताया नहीं है मैंने, बताऊंगी किसी दिन कुछ ऐसा हुआ था जो अभी भी मैं सोच के ना अभी भी मेरा दिल घबरा जाता है। इसलिए बच्चों को जरा सा भी कुछ होता है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है मुझे, मैं क्या बताऊँ। एक बार भुगतने के बाद ना तो समझ आ रहा था इसलिए ना। चलो अभी मैं प्याज वगैरह काट रही हूँ और मैं दाल में थोड़ा तड़का लगा रही हूँ, उसी से खा लगे। आज बनाया तो है नहीं कुछ, टाइम नहीं लग पाया क्योंकि। तो हस्बैंड भी मेरे बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं बोलते ऐसे, उनको भी पता है पूरे दिन बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल पाता है, ऊपर से उसकी तबीयत भी ख़राब है। और दाल छोंकों के साथ में अभी वो सो ही रही है तो रोटी भी बना ही लूँगी मैं, क्योंकि फिर उठ जाएगी तो भी मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि जल्दी जल्दी से मैं ये खाना कर लेती हूँ। और आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सपोर्ट करिए। फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? मेरी वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही हो तो आप कमेंट करके बताइए कि आप किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हो, तो मैं उस टाइप की आपको वीडियो डालूँगी। और अभी जो देखो मैं दाल में तड़का बस लगा ही गया है, अब उसके बाद बस आप लोग मेरे बच्चे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और भगवान से दुआ करिए कि मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए जल्दी से। और बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। बस मैं दाल में तड़का लग भी गया है और अब मैं लगे हाथ रोटी बना लेती हूँ। और बस आज ज़्यादा कोई व्लॉग मैं बना नहीं पाई हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाया व्लॉग शूट करने का। और अभी मैं रोटी बना रही हूँ और इस वीडियो को मैं अभी एंड करती हूँ।
प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके उसको ऑल पे जरूर सेट करना ताकि मेरी जो भी वीडियो आए आपको सबको वो नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए ताकि आप वो मेरी वीडियो वॉच कर सको। और अगर आप कोई स्पेशल वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं उस टाइप की वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। वैसे भी बड़ी मुश्किल से वीडियो शूट करती हूँ मैं। तो चलो फ्रेंड्स, आप लोग पूरा व्लॉग देखिए, एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं मैं न्यू वीडियो में भी।